बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। आप भाई के साथ मैं मुकम्मल तफसील से ये वीडियो पहले भी शेयर कर चुका हूँ, मकतब एक मकतब से लाइव सबूत लेकर कि अगर आपका इकामा अभी तक भाई नहीं बढ़ा है या आपकी छुट्टी वगैरह नहीं बढ़ी है, जो कि सऊदी शाही फरमान के मुताबिक पहले 9वें माह की 30 दिन यानी कि सितंबर 30 तक थी, अभी भाई नवंबर की 30 यानी कि 11वें माह की 30 तारीख तक भाई मजीद बढ़ा दी गई है। तो अगर आपका छुट्टी या इकामा इस डेट तक अभी तक नहीं बढ़ा है तो आपको क्या करना होगा। मकतब के मुतल्लक तो मैंने आपके साथ मुकम्मल तफसील से वीडियो शेयर कर दी थी। आज भाई जवाजात को खुद से एक सऊदी ने कमेंट किया है। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं भाई, अगर आप किसी काम के लायक हैं, अपने मालिक को यानी कि आपकी ज़रूरत है, आपकी कंपनी को, मुसस्से को, आपके कफील को, तो वो खुद ब खुद भाई कोशिश करेगा आपको बुलाने के लिए। अच्छा, इस सऊदी ने कमेंट किया है कि हमारे पास एक हिंदी ड्राइवर है जो कि छुट्टी के ऊपर गया हुआ था, वहीं पर है, फ्लैट्स बंद हैं तो वहीं पर रह रहा है। उसका भाई इकामा 30 सितंबर तक तो बढ़ा हुआ था यानी कि 9वें माह की 30 तारीख तक, लेकिन 11वें माह की 30 तारीख तक अभी तक नहीं बढ़ा है, जो कि शाही फरमान अभी जारी कर हो चुका है लेटेस्ट। तो क्या हमें इसके मुतल्लक कोई फीस पे करनी होगी या क्या करना होगा मज़ीद उसके वीज़े को बढ़ाने के लिए। ये एक सऊदी फैमिली की तरफ से भाई कमेंट किया गया था जवाजात को। तो जवाजात का आगे से रिप्लाई उसको ये है, यहाँ पर मैं आपको वो दिखा भी रहा हूँ ट्वीट, जिसमें आप देख सकते हैं जवाजात का भाई उसको आगे से रिप्लाई ये है कि नीचे आप देख रहे हैं उन लोगों ने उसको वही कमेंट में जवाब दिया है जो कि शाही फरमान जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि तमाम ऐसे वर्कर्स जो इकामा होल्डर हैं छुट्टी के यानी कि खरूजुदा वगैरह के ऊपर भाई सऊदी अरबिया से बाहर हैं, वो इस फ्लैट्स बंद होने के सबब सऊदी अरबिया में नहीं आ सकते, उनके तमाम तर इकामे छुट्टी वगैरह 11वें माह की 30 तारीख तक मजीद बढ़ाए जाते हैं। यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि आपके वर्कर का, आपके ड्राइवर का इकामा खुद ब खुद बढ़ जाएगा, अगर फिर भी नहीं बढ़ता है तो फिर आप जवाजात जाएं। उन लोगों ने उसको उस बंदे को ये भी कमेंट किया है कि अगर फिर भी नहीं बढ़ता है तो फिर आप जवाजात चले जाएं, वहाँ से जाकर इन्फॉर्मेशन ले लें। भाई वही इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, आपको मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। मैं एक मकतब में भाई गया था, वहीं पर मैंने पूछा था कि मेरे एक दोस्त का इकामा छुट्टी अभी तक नहीं बढ़े हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। उन बंदों ने 400 रियाल मांगे थे कि हम 400 रियाल लेंगे, हम खुद से अपना मंदूब जवाजात में भेजेंगे एक खताब लिखकर, वो आपके जो भी आपका वो दोस्त है, जो भी आपके जानने वाला है, उसका इकामा और छुट्टी बढ़ जाएगी। 400 रियाल वो मांग रहे थे। तो ये मैं मकतब से एक लाइव मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली थी वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन भाई इसके अलावा खुद ब खुद बंदों के इकामे और छुट्टी बढ़ रहे हैं, आप थोड़ा वेट करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2.5 माह पड़े हुए हैं, आपका अगर 11वें माह की 30 तारीख तक नहीं बढ़ा है तो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, थोड़ा वेट करें। ये स्टेप बाय स्टेप भाई खुद ब खुद बढ़ते हैं।